क्लब महिंद्रा गलत कर रहे हैं उस बात का एक्सेप्टेंस उन्होंने केस के शुरुआत में ही कह दिया। बड़ी अजीब बात है, उन्होंने कह दिया कि उनके पास टाइम शेयर के 2,80,000 मेंबर्स हैं, 2,80,000 मेंबर्स के लिए उनके पास 4,197 रूम्स हैं, 4,197 रूम्स। ये 2,80,000 मेंबर्स को कमिटमेंट क्या है? उनका कमिटमेंट ये है, उनका प्रॉमिस ये है, उनकी सर्विस ये है कि साल भर में एक हफ्ता सब लोगों को मिलेगा, 1 week पर ईयर इनको रिजॉर्ट रूम्स मिलेंगे। तो आपके पास रूम्स होने चाहिए 5,384 या 85 रूम्स होने चाहिए, तब जाके आप 2,80,000 मेंबर्स को साल में एक हफ्ते का स्टे दे सकते हो ईमानदारी से। लेकिन आपके पास है 4,197 रूम्स, मतलब कि करीब करीब 1,200 रूम्स आपके पास कम है, ये आप खुद कह रहे हो। और ये भी कह रहे हो कि हम और भी रूम्स बेच रहे हैं, हम अभी भी रूम्स बेच रहे हैं, हमारी मेंबरशिप ग्रो हो रहा है, इट्स अ ग्रोइंग मेंबरशिप बेस, आप कह रहे हो फास्ट ग्रोइंग मेंबरशिप बेस। तो सर, आपने तो एडमिट कर दिया ऑलरेडी, वंस इन 52 वीक्स, अगर आप साल में एक हफ्ता देते हो, एक साल में 52 वीक्स होते हैं, 52 हफ्ते होते हैं, लेकिन अभी आपके पास जितने रूम्स हैं, हर मेंबर को एक बार 67 वीक्स में उनको एक हफ्ता मिलेगा। आप अपने प्रॉमिस को निभा नहीं सकते हो, ये बात का इजहार एक्सेप्टेंस आपके ही केस में है, जिसमें आप कह रहे हो कि विवेक छत्रे ने आपका मानहानि किया है। बड़ी अजीब बात है भाई, 4,197 रूम्स को अगर ये लोग शिद्दत से सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स को देते हैं, क्योंकि मेंबर से पैसे पहले ही ले लेते हैं, वो लोग हर साल एनुअल मेंटेनेंस भी लेते हैं, और 25 साल का जो मेंबरशिप होता है उसके लिए लाखों रुपए एक बार में ले लेते हैं, और ये जो रूम्स हैं 4,197 अगर शिद्दत से ईमानदारी से हर एक व्यक्ति को अगर देते हर एक मेंबर को, तो हर एक मेंबर की बारी 66 या 67 वीक्स में एक बार आता, मैक्स टू मैक्स 1.25 साल में उनको एक बार मिलता, अगर ये लोग शिद्दत से और ईमानदारी से ये रूम्स देते तो। लेकिन वो भी नहीं कर रहे लोगों को, जिन्होंने पैसे देखे, जो लोग बैठे हैं मेंबर्स, उनको वो लोग रिजॉर्ट रूम्स नहीं दे रहे हैं, वो कहते हैं अवेलेबल नहीं है, सीजन है, आप ऑफ सीजन में आइए वगैरह कह देते हैं। लेकिन शादियों के लिए रूम बल्क बुकिंग होता है, कॉरपोरेट इवेंट्स के लिए बल्क बुकिंग होता है, एचआर के जो इवेंट्स होते हैं, कंपनीज जो करते हैं इवेंट्स अपने एम्प्लॉयज के लिए, उनके लिए बल्क बुकिंग दे देते हैं, सारे के सारे रूम्स दे देते हैं, हॉल दे देते हैं, लॉन दे देते हैं, डाइनिंग हॉल दे देते हैं, सारी फैसिलिटीज दे देते हैं उनको। तो जो लोगों को वहां पे रहने को मिलता है वो बड़े मुश्किल से एडजस्ट करके रहते हैं, अगर मिलता है तो। आप आउटसाइडर की तरह जाओगे तो आपको रूम मिल जाता है, लेकिन आप मेंबर की तरह जाते हो आपको रूम नहीं मिलता है।